और बताओ और क्या कहते हैं? जैसे बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन में एक रस अवस्था सदा रहे, सदा शब्द को बाबा अंडरलाइन करते हैं, तो एक रस अवस्था सदा कैसे रहे? कल शाम को सुनाया था, एक रस माना एक के साथ ही योग लगाना। मतलब जब योग में बैठे हो, आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन, और दूसरा किसी का चिंतन करो नहीं कहा, ज्ञान का चिंतन नहीं, और किसी का चिंतन करने के लिए नहीं कहा, पांच स्वरूप का चिंतन करो ये कुछ नहीं, सिर्फ परमात्मा का चिंतन, एक ही रस, दूसरा रस नहीं। आम भी खा रहे हो, अब टोमेटो भी खा रहे हो और दूसरा भी फल खा, अलग अलग रस, एक ही आम का रस, रस में लीन हो जाओ। तो कल बताया था और